नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी राउटर ऑकर्स में आपका स्वागत करता हूँ। आईपीएल का 11वां सीजन का शुरुआत हो चुका है, जिसमें 5 बड़े बदलाव किए गए हैं दोस्तों, जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों सबसे पहले बदलाव जो किए गए हैं वो है मिड सीजन ट्रांसफ़र। दोस्तों राजीव शुक्ला ने कंफर्म कर दिया है कि 25वें गेम के बाद अनकैप्ड और फॉरेन खिलाड़ी अवेलेबल रहेंगे दूसरी टीमों से खेलने के लिए। इसका इस्तेमाल पहले फुटबॉल मैचेस में हो चुका है, अब आईपीएल में भी होने वाला है। दोस्तों भारतीय कैप्ड खिलाड़ी इस प्रक्रिया के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। फॉरेन खिलाड़ी आईपीएल के 25वें मैच के बाद 2 या उससे कम मैचेस खेलते हैं तो वही खिलाड़ी इस के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों इस बार आईपीएल के 11वें सीजन में दूसरा बदलाव जो होने वाला है टीमों की जर्सी को लेकर है। डुअल जर्सी का इस्तेमाल सभी टीमें कर सकते हैं, होम मैचेस के लिए अलग जर्सी और अवे मैचेस के लिए अलग जर्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आरसीबी पहले भी कर चुकी है। तीसरा बड़ा बदलाव जो इस सीजन में है, वीआर टेक्नोलॉजी। दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स ने कंफर्म कर दिया है कि आईपीएल 2018 में वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसका फ़ायदा यह है कि अगर आप किसी कारण से स्टेडियम नहीं जा सकते हैं तो घर बैठे ही इस टेक्नोलॉजी से स्टेडियम वाला लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों चौथा बड़ा बदलाव जो आईपीएल 2018 में होने वाला है वो है डीआरएस, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि इस सीज़न में डीआरएस इस्तेमाल होगा, लेकिन इसमें इस्तेमाल होने वाला हॉट स्पॉट तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा जाएगा। रिव्यू की बात करें तो एक इनिंग में दोनों टीमों के पास एक एक रिव्यू होगा। पांचवा बदलाव यह है दोस्तों कि आईपीएल के सारे मैचेस आप सोनी मैक्स पर देखा करते थे, लेकिन इस बार स्टार स्पोर्ट्स ने सबसे बड़ी बोली लगाकर $2.55 बिलियन या 16,348 करोड़ रुपए में अगले 5 सालों के लिए ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं। इसलिए आईपीएल के सारे मैचेस आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनलों में देख सकेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।